तो गाइस इस वर्कआउट का ऐसे इंतजार करते हैं लोग जैसे कि ना मतलब बाइसेप्स का बॉडी बिल्डर करते हैं, ट्राइसेप्स का, मतलब इस टाइप का ही, क्योंकि ये आजकल समस्या बहुत बढ़ती जा रही है और सभी को चाहिए कि इससे कैसे निजात मिले। तो मसला ये है कि वर्कआउट है क्या ऐसा? नूर भाई क्या बातें कर रहे हैं आप, सोच रहे होंगे जो वर्कआउट है वो वर्कआउट क्या होगा, मैं बताता हूँ। साथ में आज मेरे साथ में मेरा भाई, मेरा दोस्त, ये है समस्या। और समस्या ये है, अंदर मत दबा बेटा वो कैमरे में। तो ऐसे ही होता है कि जब कोई तुम्हारे पेट पे हाथ मारता है या फिर कुछ भी इधर देखने लगता है तो आप ऐसे सांस खींच लेते हैं अंदर। तो अब सांस खींचने की ज़रूरत नहीं, पेट को ही खींच देते हैं। ये बैली फैट, ये पीछे के ये जो टायर, और ये आपका ये सब कैसे जाएगा? बिना मेहनत के नहीं जाएगा, खाने से आ सकता है और खाना छोड़ने से ये जा भी सकता है, मगर जाएगा नहीं, लटक जाएगा। इसलिए हमें इसको यहाँ पे भी मसल्स क्रिएट करना पड़ेगा, और उस मसल को क्रिएट करने के लिए जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी एक कस्टमाइज तरीके से हो जाती हैं, तरीके से ये नहीं कि लगे रहो वीक में। हमें खाली 2 से ज़्यादा 3 बार, मिनिमम 2, मेरा जो मानना है मैक्सिमम 2 टाइम 3 टाइम से ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए एब्डोमिनल्स का। आज हम करने वाले हैं एब्स वर्कआउट, और उसमें ज़्यादातर हम हिट करेंगे लोअर बैली फैट। लोअर बैली फैट मतलब परेशान हो चुके हैं लोग कि सर ये तो ये कैसे ये, क्योंकि ये ना एक्टिव ही नहीं होता। आज मैं बताता हूँ इसको एक्टिव करने का सही तरीका और तरीके से एब्स का वर्कआउट। ये वर्कआउट खाली बिगनर या फिर इंटरमीडिएट या बॉडी बिल्डर या फिटनेस एक्सपर्ट या इन लोगों के लिए नहीं, ये इवन सभी लोगों के लिए है कि जो एब्स क्रिएट करना चाहते हैं, जो अपना अच्छे खूबसूरत एब्स बनाना चाहते हैं, जिनको अपने इंचिस कम करने हैं, जिसको अपने पेट कम करना है, अपने लोअर टमी कम करना है, इवन टोन करना है। वो टोन तभी होगा जब यहाँ पे मसल्स क्रिएट होगा। अभी मान लो इसका भाई का पेट ज़्यादा अच्छा खासा निकला हुआ है, तो इसको मैं कार्डियो कराऊं या अदर ट्रेनिंग कराऊं और ये एब्डोमिनल्स यहाँ का एक्टिवेट ना हो, ये मसल एक्टिवेट ना हो, तो हो सकता है ये डाइट कंट्रोल में बहुत अच्छा है, ये कम हो जाए, हो ही जाएगा, बट क्या होगा, ये फिक्स नहीं होगी, ये स्किन लटक जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इसने कोई मसल्स नहीं बना रखा। इसके पीछे की जो चर्बी चली गई, मतलब जो फैट है वो ख़त्म हो गया, तो ये स्किन कहाँ लटकेगी? लटक जाएगी। पीछे अगर मसल्स होता तो फिक्स होती उसके साथ, जब मसल्स बनाई ही नहीं है, जब वहाँ एक्टिवेट ही नहीं किया। अब यहाँ तो आप एक्टिवेट कर रहे हैं ना, तो कभी आपने देखा कभी आपके हाथों का बहुत माइनर इक्का दुक्का बंदा होगा जिसकी स्किन लटकती होगी आर्म्स की, है ना, या शोल्डर की, ऐसा क्यों होता है? ज़्यादा एक्सरसाइज वही करते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं बेटा, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। तो ज़्यादा थ्योरी नहीं, वरना आप लोगों को बातों में लगा लिए, ये सिर्फ स्टार्टिंग था, क्योंकि थ्योरी समझाना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताऊंगा और हम दोनों मिलके आपको बताएंगे कि ऐप्स कैसे करते हैं। देखो मेरे ऐप्स हैं, भाई को बनाने हैं, तो मैं तो हो गया एक, हम तो हो ही गए, अब ये हो गए आप। 70% 80% बंदे ये लेके घूम रहे हैं, ये गलत तो नहीं किया, ठीक है? हमारे जैसे मुश्किल से 10% 12% भी नहीं मिल जाए तो बड़ी बात है, अदरवाइज़ तो ये मिलेंगे। अब इनको यहाँ तक आना है, मतलब बॉडी नहीं, मतलब पेट तो कम से कम इवन ऐसा, तो कैसे करेंगे? अब देखो आप हम दोनों के साथ में एब्स वर्कआउट।